What is up guys? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Nokia X35G में एप्स को हाइड और लॉक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर सर्च करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद गाइस इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको परमिशन अलाउ कर देनी है। इसके बाद गाइस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्किप पे क्लिक कर देना है एंड ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर यू आर ऑल सेट का एक मैसेज आएगा। आपको लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपको इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना है। डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट करने के बाद गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ऐप्स को हाइड करने के लिए गाइज आपको स्वाइप अप करना है। यहाँ से आपको सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा हिडन ऐप्स। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको हाइड ऐप्स पर क्लिक करना है। हाइड ऐप्स पर क्लिक करने के बाद सारी ऐप्स आपको शो हो जाएंगी। जिस ऐप को भी आप हाइड करना चाहते हैं सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको डन पर क्लिक कर देना है एंड गाइज ये ऐप्स आपकी हाइड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये आपको होम स्क्रीन पर या ऐप ड्रॉअर में देखने को नहीं मिलेंगी। एंड गाइज आप देख सकते हैं वो ऐप आपकी हाइड हो चुकी हैं। अब गाइस वापस से आपको ऐप डॉट खोलना है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड हिडन ऐप्स पे चले जाना है। हिडन ऐप्स में जाने के बाद गाइस आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से गाइस आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं इन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद गाइस यहाँ पर ये क्विक एक्सेस इन डॉक का ऑप्शन आ रहा है। इसको आपको इनेबल कर देना है ताकि आप होम स्क्रीन से ही हिडन ऐप्स को एक्सेस कर पाएँ। इसको इनेबल करने के बाद गाइस आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद गाइस आपको दोबारा से ऐप ड्रॉअर खोलना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस हिडन ऐप्स पर क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मांग रहा है। तो अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद ही आप इन ऐप्स को एक्सेस कर पाएंगे एंड गाइस इन ऐप्स को आप यहां से डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे एंड गाइस इन ऐप्स को आप डॉक से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहां से आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है एंड डॉक को स्वाइप अप करना है। एक बार और स्वाइप अप करेंगे तो यहां से आप उन हिडन ऐप्स को एक्सेस कर पाएंगे। उन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए आपको अपना यहां पर पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद गाइस आप देख सकते हैं ये हिडन ऐप्स आपकी यहां पर आ चुकी हैं। यहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप नोकिया C30 में ऐप्स को हाइड और लॉक कर सकते हैं। अगर इन ऐप्स को आपको अनहाइड करना है तो इसके लिए आपको ऐप ड्रॉअर ओपन करना है। ऐप ड्रॉअर ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद हिडन ऐप्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको सारी ऐप्स शो हो जाएंगी जो भी आपने हाइड कर रखी होंगी एंड गाइज सिंपली अनहाइड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस ये सारी ऐप्स आपकी वापस आ चुकी हैं। आपको होम स्क्रीन पे या ऐप ड्रॉअर में देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से गाइस आप मोटो G51 में ऐप्स को हाइड और लॉक कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। Whatever.